खाने का तरीका देख लो, कहते नहीं जल्दबाजी का काम, जल्दबाजी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी का मैजिक, और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहा है दोपहर का 12:30, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो वैसे आज ब्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था प्रॉपर तरीके से, बट कुछ बना रही थी स्पेशल मेरे लिए, स्पेशल मानिए या कुछ नई चीज़, तो सोचा आपको भी शेयर कर देती हूँ, इसलिए उठा लिया कैमरा और बस शूट करने लगी। और यहाँ पे मैं कट कर रही थी पालक और बना रही हूँ पालक की कढ़ी, जो कि आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पालक कट कर ली है, दो हिस्सों में बांट लिया है। एक में पालक डाला, बेसन डाला, हींग, नमक और थोड़ा सा ऐड कर दूंगी गरम मसाला, और इसका बना दूंगी मैं मिक्स। मतलब इसको फेंट लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। तो यहाँ पे मैं पालक के जो बैटर है वो तैयार कर रही हूँ पकौड़ियाँ के लिए, क्योंकि इससे बनाऊँगी मैं पकौड़ियाँ। तो बेसन फेंट करके इसमें देखिए ऐड करना है और अच्छे से फेंट करके रख लेना है। तो बस बनाऊँगी पालक की कढ़ी बढ़िया सी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और बाकी की बची हुई पालक को डाल लिया एक मिक्सी के जार में, क्योंकि इसका बनाना है पेस्ट। और यहाँ पे डाली हरी मिर्च और थोड़ी सी डालूँगी धनिया के पत्ते, और बस इनका बनाना है मुझको पेस्ट। और यहाँ पे देखिए बन गया है पालक का पेस्ट और रेडी है। अब चलिए तड़का मारते हैं पालक की कढ़ी का। तो बस यहाँ पे रख ली है कढ़ाई, उसमें डाल दिया थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और सॉरी तड़का नहीं मारेंगे, पहले फ्राई करेंगे पकौड़ियाँ पालक की। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल लिया है, अब यहाँ पे फ्राई करनी है पकौड़ी। और बाकी ये कटोरी रख ली है, बैटर बनाना है उसका बेसन का, जो जिससे हम कढ़ी छौंकेंगे। तो उसके लिए ले लिया एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन, और इसमें ऐड कर लेंगे दही, और इसको भी फेंट करके एक साइड रख लेंगे, क्योंकि जब तक तेल गर्म हो रहा था तो सोचा यही काम कर लेते हैं ताकि अच्छे से बेसन जो है फूल जाएगा। और यहाँ पे बेसन भी फेंट कर रख दिया है कढ़ी के लिए, और दूसरी तरफ पकौड़ियों का बैटर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से पकौड़ियाँ। और यहाँ पे मैंने पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर दी हैं, तो चलिए बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे पालक की कढ़ी तो आम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर किसी के घर में बनती है, बट हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज मैं अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ, और सच मानिएगा एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, काफ़ी टेस्टी बनती है। मेरे घर में तो सबको इतनी पसंद आती है, खास करके मेरे पतिदेव को, वो मतलब उनको तो कढ़ी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे वो पालक की हो, गाजर की हो, या बथुआ की हो, किसी भी चीज़ की कढ़ी हो, उन्हें काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हो, बीच बीच में अपना जो बैटर था वो भी फेंटती जा रही हूँ ताकि उसमें गांठें ना पड़े, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मतलब गुलठी ना पड़े। और बस यहाँ पे फेंट के रख लेंगे और पकौड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे। और आप सब बताइए आप सब कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ और बढ़िया हूँ। और हाँ, एक बात आपको बतानी थी, आने वाला है आर्य का बर्थडे, तो साथ साथ उसकी भी तैयारियाँ मेरी थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट कर दी है मैंने, वो मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि रिवील कर दूँगी तो आर्य भी जान जाएगी। इस वजह से जो तैयारियाँ हैं वो मैं नहीं बता सकती ब्लॉग में, क्योंकि वो देख लेगी और समझ जाएगी कि मम्मी क्या कर रही है। बट हाँ, उसका 10वां बर्थ जन्मदिन है, वो 10 साल की हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना है, और बाकी फिर धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। और 29 को है उसका बर्थडे, तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ। और देखिए यहाँ पे एक मतलब पकौड़ियों का बैच निकल चुका है, दूसरा बैच डाल दिया है, और पकौड़ियों को हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो जो है ना उसमें जो जलने की स्मेल आ जाएगी पत्तों के। और यहाँ पे तड़का लगा रहे हैं, कढ़ाई में डाला मस्टर्ड ऑयल, हरी मिर्च और थोड़ी सी मेथी दाना और हींग, इन सब का हमें यहाँ पे तड़का लगाना है। और अब ऐड कर दी इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और जो पेस्ट बनाया था पालक का वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे पेस्ट को,
वैसे पेस्ट आप चाहे तो पालक उबाल के भी बना सकते हैं, बट मैंने नहीं, मैंने ऐसे ही डाल के थोड़ा सा भून लेंगे तो जो उसका पालक का कच्चापन है वो भी भूनने के टाइम पे उससे निकल जाएगा, तो अच्छी बन जाएगी कढ़ी। और बस यहाँ पे पालक को फ्राई कर रहे हैं, भूंज रहे हैं, तब तक भूंज लेते हैं और पकौड़ियाँ मेरी बनकर रेडी हो चुकी हैं। देखिए पालक अच्छे से भूंज रही है, काफ़ी अच्छे से तेल उसमें सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बेसन का बैटर बना के रखा था उसको। ये देखिए ये मेरा बैटर है, काफ़ी ना इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना इसको पतला रखना है, और इसको दही में अच्छे से फेंट लिया था। और बस यहाँ पे पालक मेरी भुन चुकी है तो अब इसमें बेसन को ऐड कर देंगे। और याद रखिएगा बेसन को ऐड करते टाइम इसको हमें चलाते रहना है, अगर नहीं चलाएंगे तो ये जो दही है ना वो फट जाएगा, तो कढ़ी देखने में नहीं अच्छी बनेगी। तो बस यहाँ पे ऐड कर दिया है पूरा दही और बेसन, और इसको अच्छे से चलाएंगे। और इसमें ऐड कर दूंगी पानी अपने उसके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, जैसा पानी थिक और मतलब चाहिए हमको, गाढ़ा पतला जितना चाहिए उस हिसाब से ऐड कर देना है। तो बस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अच्छे से पानी वगैरह, और देखिए कढ़ी का कलर ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा आ रहा है। तो पीली कढ़ी खा के अगर बोर हो गए तो हरी कढ़ी खाइए ग्रीन। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे से कर दिया है सब कुछ ऐड कर दिया, और यहाँ पे देखिए बॉयल आने लगा है। अब इसमें ऐड कर दिया नमक, तो नमक तभी ऐड करेंगे जब कढ़ी में बॉयल आने लगेगा, अगर पहले ऐड कर देंगे तो जो कढ़ी है वो फट जाएगी। तो बस यहाँ पे कढ़ी में बॉयल आने लगा है, अब इसको 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ पे देखिए कढ़ी मेरी अच्छे से पक चुकी है करीब 7-8 मिनट, और यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने जो पकौड़ी बना के रखी थी उनको, और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको 2 मिनट के लिए और चढ़ा रहने देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मेरी पकौड़ी बनकर रेडी है, और आप खुद ही देख सकते हैं कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही है, बाकी बनी भी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ मैंने बनाई थी मक्के की रोटी, तो आज खाना खाने में मज़ा ही आ गया, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। मेरा खाना लंच बन चुका, और देखो खाने के खाने का तरीका देख लो, कहते नहीं जल्दबाजी का काम, जल्दबाजी नहीं। हाँ क्या, कढ़ी खाने का तरीका हमेशा होता है कढ़ी हुई करायल हुई थाली में डाल के खानी चाहिए। देखो ये कढ़ी कैसे थाली में मकाई की रोटी चावल देसी खाना बनाया आज। कैसी बनी कढ़ी पालक की? मजा नहीं आती है कटोरी में खाने में। कढ़ी कैसी बनी है? जबरदस्त, अच्छी लगी। धीरे धीरे खाओ, जाना है कहीं बाहर, लेकिन तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल टाइम ना हो जाए। अब जब टाइम हो गया, बुलाने आ गया कोई बाहर, तो जल्दबाजी में देखो कढ़ी कैसे खाई जा रही है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, इनको खिला पिला के इन्हें विदा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। कढ़ी ऐसे ही खाई जाती है, इतनी बुरी तरीके। कढ़ी और दे। स्कूल आ चुकी हैं और अभी आ रहे हैं अपना बर्थडे गिफ्ट खोलने जा रहे हैं। उनको मिल चुका उनका बर्थडे गिफ्ट जो कि आज मैंने दिया है, क्योंकि आर्य का आने वाला है 29 दिसंबर को बर्थडे, तो इनकी डिमांड पे मंगाई थी मैंने वो रिमोट कंट्रोल कार। ये क्या है? तो बस वही देख रही हैं, अपनी चेक कर रही हैं। ये क्या है? इसे चार्ज होगा, ये कार चार्ज होगी और रिमोट में सेल पड़ेंगे। सेल तो पड़े ही होंगे शायद, सेल मैंने डाल दिए हैं। थैंक यू। और ये रही आर्या की, अरे बर्थडे गिफ्ट मिल गया ना अब तुमको। हाँ। अब तो नहीं चाहिए कुछ भी? चाहिए। क्या चाहिए? अब क्या, बस डॉल हाउस? नहीं तो डॉल हाउस कभी मांगे पूरी होती है, कम होती है। मैंने इसलिए पता क्यों साफ किया, पानी भर गया तो मेरी कार खराब हो जाएगी। इसको हम इस पे चलाते हैं, इस पे चलाएंगे, वो गिरेगा नहीं, नीचे गिर जाएगी। कितनी मस्त है, चलो अब रख दो फ्रेंड्स। और अभी बज रहा है शाम का 5 बज गया, लेट गई तो थोड़ी देर, तो थोड़ी देर सो गई, अभी उठी और ये भी आ गए बाहर से। और पता है बाहर से आते ही आते सबसे पहले क्या मांग गया है? क्या? कढ़ी चावल चाहिए बचे हुए, और जैसे दिमाग जहां गए थे वहां पे दिमाग कढ़ी पे रखा रहा। क्यों इधर? पर एक बात बता दे आप,
लोगों को। कड़ी की पकौड़ी खत्म हो चुकी है क्योंकि सारी हम खा चुके हैं। कड़ी चावल दो भैया, बिना पकौड़ी के। कड़ी चावल की मांग, बिना पकौड़ी। बिना पकौड़ी तुम अच्छा स्वेटर पहन लो। चल के कितनी देर से कह रहे स्वेटर पहन लो, सर्दी है। चलो उठेंगे अब, चाय बनाएंगे। आए हैं देर है, कड़ी देख रहे हैं, कड़ी दे रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आज पतिदेव बनास पिला रहे चाय। ऐसे अदरक कूटी जाती है? बड़ा मुस्कुरा रहे हो। अदरक कूट रहे हैं ना? अदरक कूटने में मुस्कुराता है। और पता है सर्दी लग रही थी तो गैस जला के ताप रहे थे। वाह भाई वाह। चाय की रेसिपी नहीं डालोगे तुम? गुड इवनिंग। तो अभी बज रहा है शाम का 7 और मेरी चाय वाय हो चुकी है जैसा कि आपको दिखाया था। और आज कैमरे के सामने आके बात नहीं कर पाई, कोई नहीं, काफी सारे काम थे तो नहीं, उस वजह से नहीं कर पाई। बट अभी शाम हो चुकी है और अभी बच्चों को बस पढ़ा के आई हूँ और ये है नहीं, चाय वाय बना के पिला के और कहीं निकल गए। तो बस इतना ही था आज का डेली रूटीन जो आपको दिखाया था, बाकी सब बढ़िया है। और कल इनको फिर से जाना है कानपुर पापा का चेकअप कराने के लिए। और जो देखते हैं कल का दिन बहुत भारी होने वाला है हम लोगों के ऊपर कि क्या होता है रिजल्ट, या पता चलेगा कि पापा को कितना परसेंट आराम मिला है या क्या होना है, वो सब कल पता चल जाएगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, आज पालक की कढ़ी की रेसिपी आपको दी है, आप जरूर एक बार बनाकर ट्राई करिएगा। मेरे तरीके से बनाते तो सब होंगे लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं, बट मेरे तरीके से एक बार बनाकर ट्राई करिएगा, आपको शायद जरूर से जरूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में व्यस्त रहिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। अगर और ये ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।